नमस्कार दोस्तों, अतुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि सर, रीजनिंग फैकल्टी अतुल एकेडमी। चलिएगा बेटा, टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे, टॉपिक चल रहा था आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का आज जो हम पढ़ेंगे वो तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तो टॉपिक बेटा हमारा जो था वो क्या था, आपका कोडिंग और आपका कोडिंग एंड आपका डिकोडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। हिंदी में क्या बोलते हैं, कूट लेखन और कूट वाचन। आज कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर बेटा तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज के क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग। किसके क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आपके एग्जाम में मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर आप लोग पहला देखेंगे बेटा। मैं आप लोग को बिल्कुल एकदम एकदम बेटा जीरो से आप लोगों को क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला समझेंगे सभी बच्चे, मैं क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर लिखना चाहूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बेटा आप लोग के लिए क्वेश्चन हमारा ये था कि लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक लिख देता हूं। ठीक है ना, कि उसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है बेटा कि यदि यदि आकाश को तारा कहा जाए, यदि यदि आकाश को तारा कहा जाए, तारा कहा जाए, यदि आकाश को तारा कहा जाए या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तारा को बादल कहा जाए, तारा को बादल कहा जाए, कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे हमारा लिखा हुआ था बादल को पृथ्वी कहा जाए, बादल को पृथ्वी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को पेड़ कहा जाए, पेड़ कहा जाता है, पृथ्वी को पेड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और पेड़ को किताब कहा जाए, पेड़ को किताब कहा जाए। तो पक्षी कहां उड़ते हैं, ये मेरा प्रश्न है बेटा। अब इसके लिए जो हमारे ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है बेटा वो है हमारे ऑप्शन बादल, दूसरा ऑप्शन है बेटा आकाश, तीसरा हमारा ऑप्शन है बेटा तारा, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है बेटा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यदि हमारे एग्जाम में इस टाइप का अगर प्रश्न आता है, तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम बेटा वास्तविकता पर जाते हैं, जो हमारा हमें पता है कि वास्तविकता क्या है। तो अब हम जरा समझेंगे सभी बच्चे कि हमसे लास्ट में क्या पूछा है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो हमें पता है कि कहाँ उड़ते हैं बेटा, हमें पता है कि आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। अब हम जरा ये समझेंगे कि आकाश को क्या कहा है, हमें पता है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। अब आकाश को क्या कहा गया है, देखिए जरा, आकाश को तारा कहा गया है। क्या कहा गया बेटा, आकाश को तारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, तारा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तारा। क्योंकि हमें पता है कि वास्तविकता क्या है, कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में।
कहाँ उड़ते हैं बेटा? आकाश में। और आकाश को क्या कहा गया है? आकाश को क्या कहा गया है बेटा? आकाश को तारा कहा गया है। तो हमें पता है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे बेटा? तारा में। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, यानी तारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से। आप लोग जरा इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, आप लोग प्रश्न को हल करेंगे। बट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उसको सभी बच्चे जरा समझेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, धूल को हवा का आ जाए यदि, यदि धूल को, धूल को हवा कहा जाता है, हवा कहा जाता है, हवा को आग कहा जाता है, आग कहा जाता है, आग को, आग को पानी कहा जाता है, आग को पानी कहा जाता है, आग को पानी कहा जाता है, पानी को रंग कहा जाता है, पानी को रंग कहा जाता है, पानी को रंग कहा जाता है, रंग को बारिश, रंग को बारिश, रंग को बारिश कहा जाता है, रंग को बारिश कहा जाता है, बारिश को, बारिश को धूल कहा जाता है, धूल कहा जाता है। तो मछली, तो बेटा हमारा क्वेश्चन है, तो मछली कहां रहती है? तो मछली कहां रहती है? अब हमें पता है कि मछली कहां रहती है? जल में। मछली कहां रहती है बेटा? जल में, या मैं ये कहूं बेटा पानी में। मछली कहां रहती है? जल में। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए केवल हमें यह पता करना है कि जल को क्या कहा है, जल को क्या कहा है। हमें यह पता है कि मछली कहां रहती है, मछली रहती है बेटा जल में। तो अब जल को क्या कहा है, वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्लियर है ये बात? अब हमें पता है कि आग को पानी कहा जाता है, बट पानी को बेटा जल को क्या बोला है, पानी को क्या बोला है बेटा? रंग। पानी को क्या बोला है? रंग। हमें पता है कि मछली कहां रहती है, मछली रहती है बेटा पानी में, और पानी को क्या बोला है? रंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रंग। क्लियर है ये बात? कुछ बच्चे आंसर दे रहे होंगे मछली कहां रहती है, बोले पानी में। ठीक है, तो पानी आपका आंसर सही नहीं है। पानी को क्या कहा है? पानी को कहा है बेटा रंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रंग। क्लियर है ये बात? ये मिक्स क्वेश्चन का पहला टाइप है। अब मिक्स क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे बेटा सेकंड टाइप। अब कौन सा टाइप पढ़ेंगे? सेकंड टाइप। ये मिक्स कोडिंग में आपका पहले टाइप का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जल को पानी कहा जाए, पानी को धूल कहा जाए, धूल को बादल कहा जाए। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मिक्स कोडिंग का पहला टाइप होगा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे। ये पहला टाइप था, अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बेटा दूसरा टाइप। कौन सा टाइप पढ़ने के लिए जा रहे हैं? दूसरा टाइप। ठीक है, कल से आप लोग के क्वेश्चन है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बेटा सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है बेटा, हाउ, हाउ आर यू,
हाउ आर यू को लिखा बेटा अपन ने ने टिन और ये आपका एफ यू। इसी प्रकार आर आर्गो देयर को हमने लिखा एफ यू टी ई और ये आपका बेटा पी ई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका यू यू गो वियर, यू गो वियर को हमने लिखा टी ई टिन और ये आपका एम ओ। अब हमसे प्रश्न पहला प्रश्न हमसे ये पूछा है हाउ के लिए कोड क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि आर के लिए कोड क्या होगा। तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि यू के लिए कोड क्या होगा। चौथा प्रश्न हमसे पूछा है गो के लिए कोड क्या होगा। और पांचवा प्रश्न हमसे ये पूछा है, पांचवा प्रश्न देयर के लिए कोड क्या होगा। छठवा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि वेयर के लिए कोड क्या होगा, वेयर के लिए कोड। ठीक है, हमें ये छह प्रश्नों के आंसर देना है, हमें ये छह प्रश्नों के आंसर देना है कि हाउ आर यू का मतलब क्या है बेटा, नीट इन एफ यू फोर। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि बेटा ये आपका मीनिंगफुल हो, ये जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल हो, ये कुछ भी हो सकते हैं, उनका अर्थ निकल भी सकता है और उनका अर्थ नहीं भी निकल सकता है। केवल हमें तो ये पता है कि हाउ आर यू को कोड किससे किया है, नीट इन एफ यू से। आर गो देयर को कोड किससे किया गया बेटा, एफ यू टी ई पी ई से। ठीक है ना, केवल इसका मतलब ये हो गया कि कोड किया गया है, मीनिंगफुल है या नहीं ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो आइएगा जरा इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम जरा देखेंगे कि ये आपकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और ये आपकी थर्ड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और ये आपकी थर्ड लाइन। यदि यदि मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन का यदि मैं यूज करता हूं तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि इसमें आपका कॉमन क्या है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन का अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे कॉमन क्या मिला, आर। मुझे कॉमन क्या मिला, आर। मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन का यूज किया तो मुझे क्या कॉमन मिला, आर, और इसमें भी क्या आपका आर। इसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड लाइन का यूज करता हूं तो मुझे कॉमन क्या मिला, एफ यू एफ यू। तो मैं एक बात समझ में आ गई कि आर का जो कोड होगा, आर का जो कोड होगा वो क्या होगा आपका, एफ यू। तो आर का जो कोड होगा वो क्या होगा बेटा, एफ यू। क्लियर है ये बात, आर का जो कोड होगा वो क्या होगा, एफ यू। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड लाइन का जब मैं यूज करता हूं, फर्स्ट और थर्ड लाइन का जब मैं यूज करता हूं तो मुझे क्या कॉमन मिला बेटा, यू। फर्स्ट और थर्ड लाइन में मुझे कॉमन क्या मिला, यू। फर्स्ट और थर्ड लाइन में मुझे कॉमन क्या मिला बेटा, टेन। फर्स्ट और थर्ड लाइन में मुझे कॉमन क्या मिला, टेन। तो अब हम समझ गए कि यू के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, टेन। यू के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा आपका, टेन। समझ गए बेटा मेरी बात को, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड और थर्ड लाइन का जब मैं यूज करूंगा, सेकंड और थर्ड लाइन का जब मैं यूज करूंगा तो इसमें कॉमन आपका क्या है, गो। सेकंड और थर्ड लाइन का मैंने यूज किया तो इसमें कॉमन क्या है आपका, गो। सेकंड और थर्ड लाइन का जब मैंने यूज किया तो मुझे कॉमन क्या मिला, टी ई टी ई। क्या कॉमन मिला, टी ई टी ई। ये मुझे क्या कॉमन मिला बेटा, गो। ठीक है, तो गो के लिए कोड क्या होगा, टी ई। गो के लिए कोड क्या होगा, टी ई। क्लियर है ये बात, गो के लिए कोड क्या होगा, टी ई। अब हम आगे बढ़ते हैं हाउ वाली लाइन में हाउ के लिए कोड क्या बचा हमारा, नी। हाउ के लिए कोड क्या बचा बेटा हमारा, नी। और आगे बढ़ते हैं तो देयर के लिए कोड क्या बचा, पीई। देयर के लिए कोड क्या बचा, पीई। इसी प्रकार वेयर के लिए कोड क्या बचा आपका, एमओ। वेयर के लिए कोड क्या बचा आपका, एमओ। क्लियर है ये बात सभी को।
क्या सभी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को क्लियर है ये बात, हम समझ पाए इस प्रश्न को? अगर आपका इस प्रश्न, इस प्रकार का यदि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या आप हल कर पाएंगे? यदि बेटा आप लोगों को अभी अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शायद आपको वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं, इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पर है। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका इसी पैटर्न पे है, तो आइएगा जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एस एच ई इज गुड का अर्थ बेटा 254। इज ही बैड, इज ही बैड कोड दिया गया है हमें 269। आगे बढ़ते हैं, आर वी गुड का कोड हमें दिया है 513। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न है जो आप लोग को हल करना है, पहला प्रश्न है मेरा कि आपका ही के लिए कोड क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा मेरा प्रश्न है आप लोग के लिए, बी बेड के लिए आंसर क्या होगा, बी बेड के लिए आंसर क्या होगा। ठीक है, और मेरा तीसरा प्रश्न है, बेटा आप लोग जरा देखेंगे यहां पे, तीसरा प्रश्न है मेरा, वी के लिए आंसर क्या होगा, और फोर्थ मेरा जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए फोर्थ क्वेश्चन है, आर ही गो। ठीक है, ये चार प्रश्न है जो आप लोग को हल करना है। देखेंगे एस एच ई के लिए कोड क्या होगा, बी बेड के लिए क्या होगा, और ये बी के लिए कोड होगा। चौथा प्रश्न है आर ही गो के लिए कोड क्या होगा। बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को हल किया था उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड लाइन से जब कंपेरिजन करेंगे तो हमें कॉमन क्या मिला, एज। कॉमन क्या मिला, एज। क्लियर है ये बात, फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमें कॉमन क्या मिला, एज। तो इधर भी हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन क्या मिला बेटा, आपको 2 कॉमन मिला। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड और थर्ड लाइन से जब कंपैरिजन करेंगे, तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड लाइन से जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिला, ये गुड, और ये भी क्या आपका, ये गुड। फर्स्ट और थर्ड लाइन से कंपेरिजन किया तो हमें क्या मिला, गुड, और ये भी क्या है, गुड। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड लाइन से कंपेरिजन करेंगे तो ये आपका क्या है, 5, और ये भी क्या है आपका, 5। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एज के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, 2, और गुड के लिए कोड होगा वो क्या होगा बेटा, 5। ठीक है, तो एस एच ई के लिए कोड क्या बचा आपका, ये 4। तो एस एच ई के लिए कोड क्या हो गया, ये आपका 4। क्लियर है ये बात, एस एच ई के लिए कोड क्या हो गया आपका, 4। अब आगे बढ़ते हैं कि बी बेड, तो हम जरा समझेंगे कि बी के लिए आपका क्या होगा बेटा, 1 या 3। 100% एक नहीं कह सकते ना, 100% 3 कह सकते हैं, या में बी के लिए क्या होगा आपका, बी के लिए आपका जो कोड होगा बी के लिए वो क्या होगा, 1 या 3। इसी प्रकार आर के लिए भी क्या होगा, 1 या 3। तो बी के लिए हम कह सकते हैं 1 या 3। ठीक है, 100% आंसर क्या है, 1 या 3। अब बेड की बात करते हैं तो बेड के लिए भी तो आपका कोड क्या बनेगा, बेड के लिए कोड बनेगा 6 या आपका 9। बेड के लिए कोड होगा 6 या 9। ना तो 100% आपका 6 आंसर है, ना ही आपका 100% 9 आंसर है। आपका संभावना में आंसर आएगा, तो संभावना में आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 या 9। तो हम बेड के लिए कह सकते हैं आपका 6 या आपका 9। ठीक है, 6 या 9।
अब बेटा जब भी आपका अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है संभावना वाला, तो आपको ऑप्शन मिलेगा और आप क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपका पहला ऑप्शन दिया गया था इसमें। सेकेंड क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है बेटा 165, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है बेटा वो 789, और थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो आपका 136, और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो आपका 67 आपका 9। क्लियर है ये बात, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा 1 या 3 में से कोई एक नंबर यहां होगा, या 6 और 9 में से कोई एक नंबर यहां पे होगा, वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो वी वेड, तो आइएगा जरा समझते हैं वी वेड के लिए आंसर क्या बनेगा। वी वेड के लिए ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके बी बेड के लिए ऑप्शन है बेटा आपका पहला 13, ये 69, और ये आपका 78, और डी ऑप्शन है आपका 93। ये ऑप्शन है आपके सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो मैंने आपको ऑप्शन दिए बेटा वो फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है ना। तो अब जरा समझेंगे कि हमारा आंसर वो करेक्ट होगा 1 या 3 में से कोई एक नंबर मिल जाए, या 6 और 9 में से कोई एक नंबर जहां मिल जाएगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही। तो बेटा पहला ऑप्शन चेक किया हमने, 1 और 3 है, क्या है 1 और 3, क्या 1 और 3 दोनों एक साथ होंगे, क्या 1 और 3 दोनों एक साथ होंगे, नहीं, क्योंकि ये 1 और 3 किसके लिए होगा, बी वी के लिए होगा, बट अपने को बेड का भी चाहिए, तो 1 और 3 एक साथ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 6 और 9 भी एक साथ नहीं हो सकता, वो ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये आपका 3 मुझे मिल गया, ये आपका 6 और 9 में से ये 9 मिल गया, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि 1 या 3 या 6 और 9 में से कोई एक नंबर मुझे चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बी के लिए आंसर क्या होगा। तो बी के लिए हमें पता है कि आंसर क्या होगा, 1 या 3, आंसर क्या होगा 1 या 3। उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को यह बात समझ में आ रही होगी कि वी के लिए कोड क्या होगा, 1 या 3। 100% ना आंसर 1 कह सकते हैं ना 100% आपका 3, पॉसिबिलिटी में आपका आंसर जाएगा तो 1 या 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन था आपका 136 और बी आपका ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका 165, दूसरा ऑप्शन है 789, सी ऑप्शन है आपका 136, और डी ऑप्शन है आपका 736, ठीक है। आइएगा जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि आर का जो कोड होगा, आर का जो कोड होगा वो क्या होगा, आर के लिए कोड क्या होगा, 1 या 3। इसी प्रकार ये आपका एच ई के लिए कोड क्या होगा, एच ई के लिए कोड होगा 6 या आपका 9। बट बेटा गो तो हमारे यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, गुड लिखा था, गो हमारा कहीं नहीं लिखा, क्या लिखा था हमारा, गुड। तो ये बेटा गो आपका एक न्यू आपका लेटर आ गया, ठीक है, न्यू आपका लेटर आ गया, न्यू आपका वर्ड आ गया, हमें नया अक्षर देखने को मिला यहाँ पे गो, ठीक है। तो कोई ना कोई एक नया नंबर होगा जो हमारा अभी तक इसमें नहीं लिखा है, उससे हटके जो नंबर होगा एक न्यू नंबर हमारा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि आर के लिए 1 या 3 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, तो बेटा ये 1 है, ठीक है, 1 है, 6 और 9 में से कोई एक नंबर है 6 है, बट गो के लिए हमारा न्यू कोई नंबर होना चाहिए, तो बेटा ये नंबर क्या है आपका, 5, जबकि 5 कोड किसका है, गुड का, जबकि गुड का नहीं हमें चाहिए गो का, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्या बेटा 1 और 3 में से कोई नंबर है, क्या 6 और 9 में से कोई नंबर है, ये क्या हो गया, गलत। इसी प्रकार 1 और 3 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, जबकि 1 और 3 दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत।
अब हमारा आंसर क्या बचा बेटा, डी। तो ये हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर, समझते हैं कैसे। तो ये आपका वन और थ्री में से थ्री है बिल्कुल, नाइन और सिक्स में से सिक्स है बिल्कुल, गो के लिए न्यू नंबर होना चाहिए, तो गो के लिए न्यू नंबर हमारा क्या है बेटा सेवन। सेवन आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो गो के लिए न्यू नंबर क्या हो गया आपका, ये सेवन, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा आपका, डी आंसर। क्लियर है ये बात सभी को। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कल से आप लोगों की लाइव क्लास रहेगी बेटा यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर लाइव क्लास रहेगी आप लोगों का, रीजनिंग का जो लेक्चर है, रीजनिंग का लेक्चर रहेगा आपका 10:30 बजे से। कल से सभी बच्चे 10:30 से आपका 11:30, ये आपकी लाइव क्लास का टाइम है यूट्यूब पर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी नहीं है उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंच सकें। क्लियर है ये बात, ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंच सकें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को क्या कर लें बेटा, सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल लाइव क्लास के साथ बेटा मुलाकात होगी हमारी 10:30 से 11:30, ठीक है। मॉर्निंग में 10:30 से 11:30 सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास पढ़ेंगे। लाइव क्लास पढ़ने से बेटा बेनिफिट ये होता है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार नहीं बेटा आप दो बार कमेंट कर सकते हैं, तीन बार कमेंट कर सकते हैं, जब तक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जब तक कि आपका डाउट क्लियर ना हो जाए। क्लियर है, तो कल अपन मुलाकात होगी बेटा कितने बजे, 10:30 बजे, 10:30 से 11:30 रीजनिंग का लेक्चर यूट्यूब पर लाइव, ठीक है बेटा। चैनल है अतुल एकेडमी, जैसे ही आप अतुल एकेडमी यूट्यूब पर लिखोगे तो आपको चैनल देखने को मिलेगा। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू बेटा।